Hello, Dr. मैं व्यास और यूपी ब्लॉग्स में आपका खैर मकदम है, स्वागत है सोशल मीडिया में। तो दोस्तों आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं अंसारी साहब के साथ। अंसारी साहब से आज फिर हमारी गुफ्तगू होगी। तो अंसारी साहब, आज मेरा मेन सवाल है आपसे कि लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, ठीक है, और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 2019 में सबसे बड़ी अहम भूमिका है, क्या बदलाव हो सकता है, क्या फिर हो सकता है, बताएंगे आप इसके बारे में। देखिए, 2019 का जो चुनाव हमारे सामने है लोकसभा का, इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और समाजवादी पार्टी में जो अल्पसंख्यक सभा बनी हुई है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय हाजी रियाजमन साहब पूर्व मंत्री हैं, मैं उन्हीं के साथ में प्रदेश में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा में सचिव हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर माननीय रियाजमन साहब ने पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का काम इतनी तेजी से शुरू कर दिया है। हम लोगों ने हमारे अल्पसंख्यक सभा के जो भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं उन सबको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और वो अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से अलग अलग जनपदों में जा जाके काम को कर रहे हैं। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेवन साहब बहुत जल्दी पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों को लखनऊ बुलाकर एक मीटिंग लेंगे और उस मीटिंग को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज की तरफ से सम्मेलन किए जाएंगे। उन सम्मेलनों में हम लोग एक रणनीति तय करेंगे और वो रणनीति होगी कि हम अपने अल्पसंख्यक सभा को बूथ स्तर तक ले जाना चाहते हैं। हम इसके बूथों पर पदाधिकारी बनाएंगे, यानी बूथ कमेटियों को बनाएंगे। किसी जंग को लड़ने के लिए उसमें फौज की जरूरत हुआ करती है और फौज को जंग लड़ने के लिए एक हथियार की जरूरत हुआ करती है। हथियार ये गोली बारूद चलाने वाले नहीं, फौज मतलब हमारे कार्यकर्ता ज्यादा होंगे तो हमारी कार्यकर्ताओं की संख्या के आधार पे, उनकी मेहनत के आधार पे हम लोग लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी या समाजवादी पार्टी के साथ में जो भी आएगा, जो रहेगा वो जीतेगा। हम लोग 80 की 80 सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है और आप 2019 के चुनाव में देख लेना, समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटें जीतकर माननीय अखिलेश यादव की झोली में डाल दी जाएगी। अल्पसंख्यक सभा इसी तैयारी में लगी है और इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे हाजी रियाजमन साहब बहुत सोच बूझ के बहुत बढ़िया नेता हैं और लगातार वो भी दौरे कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने मैं ही 4 दिन में लौट कर आया हूं, कल फिर निकलने वाला हूं। ऐसे ही हमारे जो दूसरे साथी प्रदेश के पदाधिकारी हैं सभी लोग लगे हुए हैं। माननीय हाजी रियाजमन साहब खुद भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्यों हमारा लक्ष्य है। हम कहने को तो ये भी कह सकते हैं और कहते भी हैं कि इस देश की पब्लिक माननीय अखिलेश जी की तरफ को देख रही है। उत्तर प्रदेश के जब वो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने जो काम किया वो पूरा देश जानता है और पूरे देश की नज़र आज अखिलेश जी की तरफ है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इस देश में कमजोर लोगों का, गरीब लोगों का, भूमिहीन लोगों का या बिजनेसमैन का, इनका सबका अगर कोई नेता है तो वो अखिलेश यादव है, जो सबकी हरदम सोचते रहते हैं। और साथियों, 2019 के चुनाव में जब हम लोग 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ये जो बीजेपी के लोग
झूठ का पुलंदा लिए फिर रहे हैं। झूठ बोल बोल के इन्होंने इन कमजोर गरीब मजदूर लोगों को ठगा है। इनका तो इनके चेहरे से नकाब हट चुका है। ये इतना झूठ बोले, इतना झूठ बोले, इतना झूठ बोले। मुझे किस्सा याद आता है, एक राजा निकल के जा रहा था अपने हाथी पे बैठ के, साथ में बीरबल उनका वजीर भी था। दो लड़कियां रास्ते में बैठे हुई आपस में बात कर रही थी कि सबसे ज्यादा मजा किस में है। तो एक लड़की ने कहा, सबसे ज्यादा मजा आम में है, आम को खाते हैं बार बार, बड़ा मजा आता है, बार बार घूमने दिया जाता है। दूसरी लड़की ने कहा कि चुप, सबसे ज्यादा मजा झूठ में है। राजा ने हाथी को रोक लिया। वजीर ने कहा, चलो साहब इनको कल दरबार में बुलाकर पूछा जाएगा। सुबह जब राजा ने दरबार में उन लड़कियों को बुलाया और पहली लड़की से पूछा कि तूने ये कैसे कहा आम में सबसे ज्यादा मजा है, फल तो और भी हैं। उन्होंने कहा, साहब मैंने तो इसलिए कहा था, खाने में भी अच्छा लगता है और लोग बार बार मुंह में इसको देते हैं। ने कहा, इसकी बात सही है, इसको 2500 रुपया इनाम में दे दी जाए। दूसरी लड़की से पूछा कि बेटा तुमने कैसे कहा झूठ में बहुत मजा है। लड़की बोली, देखिए साहब आप राजा हैं, आपने बुलाया, मैं आ गई हूँ, मैं बात कुछ नहीं करूंगी आपसे। क्या क्यों नहीं करोगी? ले, हम भगवान के भगत हैं, हम भगवान के भगत हैं और रोज भगवान से आमने सामने बैठ के मेरी ऐसी बात होती है जैसी आप तुमसे हो रही है। राजा ने कहा, बिल्कुल सही बात है। बोले, बिल्कुल मैं कोई झूठ बोल रही हूँ। राजा ने कहा, मेरी बात करा सकती हो? बोली, आज शाम को आ जाना मगरिब के टाइम। वजीर ने सोचा कि यार राजा की बात हो जाएगी, मैं भी बड़ा परेशान हूँ, मेरी बात कर लूँ। उन्होंने लड़की से कहा, बोले बेटा हमारी बात करा दो, उन्हें तुम्हारी भी करा देंगे, मगरिब के टाइम आ जाओ राजा साहब के साथ में। एक राजाओं का कोतवाल हुआ करता था, वो रस्ते में जाके खड़ा हो गया, जैसे लड़की को जाना, हाथ जोड़ के लड़की से कहने लगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, छोटा कर्मचारी हूँ, कहने को कोतवाल हूँ, थोड़ी तनख्वाह मिलती है, खर्चा बहुत है, भगवान जी से मेरी बात हो जाए तो मैं भी कुछ मांग लूंगा। उन्होंने कहा, तुम भी आ जाओ शाम को। और शाम को ये तीनों के तीनों इकट्ठे होकर उसके घर पहुंच गए। लड़की एक प्रजापति की थी। प्रजापति जी के पास में कई गधैया गधे उन्होंने पाल रखे थे। उसी दिन एक गधैया ब्याह गई, गधैया ब्याह गई, उसने बच्चे के चारों हाथ पैर बांध के वहां पर डाल दिया और एक बोरी बिछा के चिराग जला के उसी के ऊपर रख दिया। शाम को जब राजा पहुंचा, उन्होंने पूछा, लड़की कहाँ है? घर वाले लड़की ने पहले ही समझा दिए थे। घर वालों ने कहा, वो तो भगवान से बात चल रही है उसकी, वो तो भगवान के भगत है, लड़की भगवान की भगत है, उसकी बात चल रही है, आप लोग बैठिए। वो बैठ गए। थोड़ी देर में लड़की आई। लड़की ने आके कहा कि राजा साहब पहले आपको बुलाया। राजा खड़ा हो गया, उन्होंने कहा, बैठ जाइए, पूरी बात सुन लीजिए। भगवान जी ने एक शर्त लगा दी है और वो शर्त ये है, भगवान दर्शन उसी को देंगे जो असली माँ बाप का होगा। अगर बीच में कहीं जरा सी भी गड़बड़ हुई है तो भगवान जी उसको दर्शन नहीं देंगे। आइए राजा साहब, शर्त मंजूर है। तो राजा उठा, लड़की के साथ साथ वहीं चला गया जहाँ वो भतीजा का बच्चा बता पड़ा एक कमरे में। लड़की ने चिराग को बुझा दिया, राजा से कहा, बैठ गया, भगवान जी से बात करो, मैं जा रही हूँ बाहर। राजा ने बहुत जोर लगाए, कभी आंख को खोले कभी बंद करे, कोई दर्शन नहीं हुए। राजा ने कहा, पता नहीं क्या बात है, दर्शन नहीं हो रहे हैं, भगवान जी ने ये शर्त लगा रखी है जो असली माँ बाप से पैदा होगा उसी को दर्शन देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ा लिया हो बीच में, मैं दर्शन नहीं हो पा रही। खैर थोड़ी देर में लड़की ने कहा राजा से कि आइए साहब आपका समय पूरा हो गया। राजा जब आया तो वजीर ने पूछा, हुजूर क्या बात हुई मुझे भी बता दो। तो राजा ने कहा, बहुत बढ़िया बात हुई है, मैंने तो भगवान जी से जो कुछ मांगा है सब कुछ भगवान जी ने मुझे दे दिया, अपने लिए और अपने प्रजा के लिए। अब वजीर पहुंचता है, वजीर भी बहुत तेरे जोर लगाए, आंखें खोले नीचे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो वजीर ने कहा, पता नहीं हमारी माता जी ने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर के बाद वजीर को भी लड़की ने बुला लिया। अब कोतवाल साहब जाते हैं, कोतवाल साहब को भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तो कोतवाल साहब थोड़ी जोर से बोल गए, बोले, पता नहीं हमारी माँ कैसी थी, माता जी हम कह भी नहीं सकते, हमें तो दर्शन नहीं हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो भी आ गए, उनसे पूछा, तुम्हारी कैसी बात हुई? बोले, बहुत बढ़िया बात हुई साहब,
हमने तो जो कुछ मांगा भगवान जी ने सब दे दिया हमें। बोले तुम झूठ से कुछ बोल गए थे। बोले साहब पुलिस वाला हूँ, एक बात को मैंने कहा भगवान जी बना कर रहे थे, मैं थोड़ा जोर से बोल गया, पैर पकड़ लिए, खैर वो भी मान गए भगवान जी। तीनों लोग चले आए और आपस में तीनों यही सोच रहे थे कि पता नहीं भाई मैं हरामी हूँ, वो कहे मैं हरामी हूँ, वो कहे मैं हरामी हूँ। तीनों ये सोचते सोचते अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन राजा को वजीर के ऊपर किसी बात पर गुस्सा आ गया तो राजा ने वजीर को बहुत डांट कर कहा चल गधे के बच्चे। तो वजीर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले साहब गधे का ही बच्चा था, उसी पर गोली पड़ी थी, उसी पर चला चल रहा था। फिर कोतवाल को बुलाकर पूछा तो कोतवाल ने कहा कि साहब गधे का बच्चा बंधा पड़ा था, उसी पे गोली पड़ी और उसी पे चिराग जल रहा था, दिखा कुछ नहीं, इसके अलावा था कुछ नहीं। अब लड़की को बुलाया, जब लड़की से पूछा, उसने कहा जब मैंने पहले अपनी सहेली से कहा था कि झूठ में बहुत मजा है, मैंने पहले ही कहा था कि झूठ में बहुत मजा है और इतना मजा है आप तीनों लोग अपनी अपनी माता जी के ऊपर शक करने लगे थे, गलत सोचने लगे थे अपनी अपनी माताओं के बारे में। झूठ में इतना मजा है जो वो राजा धोखा खा गया उस लड़की के झूठ में, तो देश की प्रजा धोखा खा गई मोदी के झूठ में। आज ये बात खुल चुकी है, अब मोदी का कोई झूठ चलने वाला नहीं है। 2019 के चुनाव के लिए पब्लिक ने इनका बोरिया बिस्तरा बांध के रख दिया है और ये बोरिया बिस्तरा बांध के अपना चले जाएंगे। इसलिए मैं बीजेपी के लोगों से एक अपील और करूंगा, इनके कुछ विधायक बड़े बड़बोला हैं, अगर मेरा इंटरव्यू को देख लें और सुन लें तो उनसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा, आप जुर्म उतने करना, आप उतने जुर्म करना जितने झेल सको, क्योंकि आज तुम्हारी सरकार है तो तुम जुर्म करोगे तो कल हमारी आएगी तो बदला जरूर देंगे। इसलिए उतने जुर्म करना जितने जुर्म तुम झेल सको, किसी धर्म के बारे में किसी के बारे में कोई गलत बात मत करो, गलत बात सोचो मत। और देश देश की बात करते हो, देश ये किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तो अजमेर में आराम फरमाने वाले ख्वाजा गिरिबल नमाज का देश है ये, वो इस देश के राजा अल्लाह ने बना के उनको भेजा है और इसीलिए सारे धर्मों के लोग वहां पर जाके अपना सिर झुकाते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। इनका बीजेपी का एक बड़बोला विधायक जी ने क्या क्या एक्सीडेंट बोलता रहता है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव हैं, एक जब बीजेपी की बात आ गई है तो मैं एक सवाल करूंगा कि बीजेपी के विधायक हैं जनाब राजा सिंह, राजा सिंह जो है आए दिन आपके मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे राजा साहब के बारे में आप? देखिए हम लोग तो अच्छे लोगों से बात करते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों चाहे वो मुसलमान भाई हों। मैं पिछले इंटरव्यू में ये कह भी चुका हूँ कि देश का हिंदू और देश का मुसलमान ये आपस में चचेरे तहरे भाई हैं, ये आपस में चचेरे तहरे भाई हैं। हिंदू धर्म का कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, कहीं हिंसा की बात किसी महापुरुष ने नहीं कही है। मुस्लिम धर्म के ग्रंथ उठा के देख लीजिए, किसी महापुरुष ने हिंसा की बात नहीं कही है। और इन दोनों में चाहे कोई हमारा हिंदू भाई हो चाहे कोई हमारा मुस्लिम भाई हो, अगर हिंसा की बात करता है तो वो इंसान नहीं है, और जो हिंसा की बात करता है वो ये हिंदू भाई भी हमारा समझ ले कि हिंदुओं में नरक है मुसलमानों में दोजक है। ये लोग दोजक और नरक के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, एक धक्के में हम उसी में चले जाएंगे और उसमें जो कुछ होगा वो अपने अपने धर्म गुरुओं से सब लोग पूछ ले। मैं यही संदेश देना चाहूंगा अपने उन विधायक जी को जो ये गलत से गलत बात करते हैं। आचार्य साहब जिस तरीके से आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में आप घूम रहे हैं, आपको जिम्मेवारी दी है प्रदेश की, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो जैसे कि विकलांग है, विधवा है, वृद्धा है, इनके बारे में आप क्या करेंगे, कोई ठोस कदम उठाएंगे इनके लिए? विकलांग, विधवा और वृद्धा, देखिए इसमें अगर मगर की तो कोई बात ही नहीं है मुझे, ये देश की और हमारे प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, हमारे प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस प्रदेश को
सही रास्ता देने वाला, सही राह देने वाला इस प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए, सही सोच रखने वाला प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो माननीय अखिलेश यादव है। ऐसा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। और मैं इन बीजेपी के बारे में एक बात आपको और बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक या सांसद जो भी हैं, ये सब के सब बीजेपी हाईकमान की निगाह में ये पागल हैं, बेवकूफ हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी हाईकमान ने सिद्ध कर दिया कि हमारे विधायक यूपी की विधानसभा में जो भी हैं ये पागल हैं, हमारे सांसद सब पागल हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सत्ता सौंपी जाए। अगर इसमें कोई योग्य आदमी होता, कोई योग्य विधायक होता तो ये लोग भी अपने उस विधायक को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते थे, कि इन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बना के उत्तराखंड के रहने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। ये उत्तर प्रदेश के बीजेपी के MLA और दूसरे नेताओं को समझ लेना चाहिए कि हमारी औकात बीजेपी में क्या है। अगर तुम्हारी बीजेपी में कोई औकात होती, कोई इमेज होती तो तुमको ये सत्ता दी जाती, आज हमें भी खुशी होती कि हमारे प्रदेश के आदमी के हाथ में सत्ता है। कि ये सत्ता तो तुमने उत्तराखंड के हाथ में दे रखी है, इसीलिए वो उत्तराखंड की तरह हमारे प्रदेश को, कि हमारे प्रदेश को उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे सारा भाड़ में जाए, यहाँ का रहने वाला भूखा मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे मुख्यमंत्री को उससे कोई मतलब नहीं है। तो उनको इस प्रदेश से क्या लेना देना है, वो इस प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, वो तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अपने उत्तराखंड के बारे में कुछ सोचें तो सोचें, तो यहाँ तो उनका कोई मतलब ही नहीं है कुछ सोचने का। और ऐसा अब सब प्रदेश की जनता जान चुकी है, वोटर जान चुका है, इसीलिए सारे देश, सारे प्रदेश के लोग माननीय अखिलेश यादव की तरफ को बहुत लगा लगा के देख भी रहे हैं। और अखिलेश यादव भी अपने प्रदेश की जनता के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। आपने मुझसे पूछा वृद्धा के बारे में, विधवा के बारे में, विकलांग के बारे में। अरे भाई आप एक बात बताइए, वृद्धा उसको कहते हैं जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाती है, विधवा उसको कहते हैं जिसके पति का स्वर्गवास हो जाता है, विकलांग आप सब लोग जानते हैं पोलियो से जिनके हाथ या पैर खराब हो जाते हैं उनको विकलांग कह देते हैं लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है, अगर वो कहीं ट्रेन में जाए या बस में जाए या कहीं भी जाए, रास्ते में हो, तो लोग कहते हैं ताऊ बैठ जाओ, अरे चचा तुम यहाँ बैठ जाओ, इस तरीके से लोग उनका सम्मान करते हैं ताऊ और चचा करके। लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार बीजेपी वाली, हमारे देश की सरकार केंद्र की सरकार बीजेपी वाली, ये अपने माँ बाप की भी इज्जत करना नहीं जानते। जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है वो ये सब युवाओं के माँ बाप हैं, तो ये अपने माँ बाप की इज्जत करना नहीं जानते। उनको 400 रुपए महीने के पकड़ा देते हैं, घर में जब लाके देते हैं तो बहू कहती है 400 रुपए में क्या होगा, तुझे 3 दिन से खांसी आ रही, डॉक्टर साहब एक ही बार में ले लेंगे। अगर यही इनको 1500 रुपए दिए जाए, जब इनको 1500 रुपए दिए जाएंगे तो इनके घर में इनकी बहू और इनका बेटा इनकी इज्जत करेगा, सर्दी के महीने में हाथ पैर धोने के लिए भी गर्म पानी देगा। लेकिन प्रदेश की सरकार अपने माँ बाप की इज्जत करना नहीं जानती है। जो हमारी बहनें विधवा हो जाती हैं, जिनके शौहर पति का स्वर्गवास हो जाता है, वो भी तो हमारी बहनें ही हैं, कोई और नहीं है। मोदी जी तो बोलते हैं तब भी कहते हैं भाई और बहनों, भाई और बहनों, भाई और बहनों, ये फर्जी बात है, फर्जी वो भाई बनाता है हमारे प्रधानमंत्री और फर्जी बहनें बनाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अगर तुम्हें अपनी बहनों का ख्याल होता तो जो बहनें तुम्हारी विधवा हो गई हैं इस देश में, उनकी पेंशन तुमने कम से कम 5000 रुपए बांधी होती है, उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी हुआ करते हैं, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा तो अलग रहा, उनके खाने पीने का भी इंतजाम छोटे बच्चों का भी नहीं कर सकते, माँ बाप का इंतजाम तुम नहीं कर सकते, तुम क्या इंतजाम करोगे। हमारी सरकार आए तब देख लेना, और आएगी, प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, और जब प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है तो
तो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी मन बना लिया है इनको कुछ देने के लिए। चलो थैंक यू साहब, समय अपने पास कम है। और दोस्तों ये थे हमारे मुन्ने बख्श अंसारी साहब, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने प्यार से नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।